हेलो एवरीवन, दिस इज राम कुमार एंड यू आर वाचिंग स्किल्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये क्लास 12 का प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है, सातवां चैप्टर। इसका हम पैसेज एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंडिया के बारे में है, अभी से पहले आपने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम और उससे रिलेटेड काफी अच्छी खासी जानकारी से बेस्ड एक चैप्टर पढ़ा, जिसका नाम था वुमेन्स एजुकेशन, जिसमें हमारे शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कमियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। ये हमारा जो चैप्टर है इसमें भारत की धरोहर के बारे में बताया। हेरिटेज मतलब होता है धरोहर, मतलब कि भारत में क्या खास है, हमारी पहचान क्या है, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर की विशेषता क्या है, उसके बारे में इसमें बात हुआ। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। पहला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल से लेकर के एनीथिंग इंडियन तक, ठीक है। गांधी जी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको ये नाम जरूर पता होगा। रेफरेंस मैंने नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा है, मतलब कई सारे चैप्टर हो गए यार, कितनी बार बताया जाएगा एक ही चीज बार बार। अगर आपने एक दो चैप्टर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, रेफरेंस में कुछ होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से कि नाम आपको लिखना है बस। अब वो चैप्टर का नाम हो सकता है, उसको इंक्लूड करना है, या पोएम का नाम हो सकता है, फिर राइटर या पोएट का नाम हो सकता है। अगर प्रोज सेक्शन का चैप्टर है तो आप राइटर का नाम लिखेंगे, पोएम है पोएट्री सेक्शन का है तो फिर आप पोएट का नाम लिखेंगे। बस यही तो चीजें लिखनी होती, कुछ खास थोड़ी है, पैटर्न भी वही होता है, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आप कोशिश करिए अपने मन से भी काम करने का, क्योंकि आप क्या है कि एजुकेशन के बारे में हम इतना समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर हमको ये भी समझना चाहिए कि क्या करना सही रहेगा। रटने पर ज़्यादा जोर देंगे तो दिक्कत आपके लिए होगी, हमारे ही लिए आगे जाकर दिक्कत होगी। चीज़ों को समझने में ध्यान दीजिए कि जो भी हो रहा है कैसे हो रहा है, क्या हम किसी और तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कुछ नया है, कुछ नया है या फिर पहले से हम जानते हैं, क्या जो हमारा नॉलेज है उससे इसका कोई रिलेशन है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग जरूर लगाना चाहिए। ऐसे ही मतलब जो भी कोई कहता जाए आकर के मुंह उठा करके बता दे आपको और आप बिलीव कर लें, उसके हिसाब से चल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा इस बारे में, गांधी जी क्या बिलीव करते थे, कौन सी फंडामेंटल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो हियर द राइटर टॉक्स अबाउट द थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की थिंकिंग क्या थी, सोच क्या थी अपने देश के प्रति, हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं अबाउट अबाउट इंडिया जोड़ सकते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में उनकी क्या थिंकिंग थी, क्या राय थी, क्या सोच थी, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। द राइटर टेल्स अस दैट गांधी जी वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड, इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, बहुत ज्यादा प्रभावित थे विद द फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। एंशिएंट मतलब प्राचीन, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उससे और उसके सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी। ही लव्ड अंडरडॉग्स, अंडरडॉग मतलब होता है जो शोषित वर्ग है, जिनको हम दलित वर्ग कहते हैं, वो हमेशा उनको प्यार करते थे, इसी वजह से उन्होंने शोषित और दलित वर्गों में जो थे, जो भी निचले तबके के लोग थे जिनको लोग सताते थे, बंधुआ मजदूर की तरह से रहते थे, उनको उन्होंने हरिजन का नाम दिया था। हरिजन मतलब कि भगवान के लोग हैं ये, ताकि एक सम्मान का पद उनको मिले। से जातिवाद में हम अक्सर देखते हैं कि ब्राह्मणवाद अक्सर चलता रहता है, ब्राह्मण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जिसकी वजह से वो निची जातियों को सताते हैं और तुच्छ मानते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ थी, सो इसीलिए इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट हिज थिंकिंग उनकी जो सोच है वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, स्वतंत्रतावाद का जो पश्चिमी सभ्यता का जो सिद्धांत है, उनके जो कल्चर है वहां से जो निकला हुआ है, ये थिंकिंग उनकी थी। और ये जो शोषित वर्गों को प्यार करना, जातिवाद को समाप्त करना, भेदभाव ना करना, ये सब पहले से ही पश्चिमी सभ्यता में चल रहा था, तो उससे प्रभावित थे। इनको अच्छा लगा कि लोग कितना फ्रीली जीते हैं, कितना फ्रीडम महसूस करते हैं,
तो यहां से उनकी थिंकिंग प्रभावित थी, इसको देख करके हम कह सकते हैं। वो सही बात है कि भारतीय संस्कृति को और उसकी जो परंपरा थी, हमारी जो परंपरा चली आ रही थी, उसको पसंद करते थे और प्रभावित थे। लेकिन ये भी सच है कि उनके व्यवहार में, उनकी सोच में कुछ ना कुछ वेस्टर्न थिंकिंग का प्रभाव था, वेस्टर्न कल्चर का भी प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा पैसेज दिया हुआ पॉलिटिकली से लेकर के दिया कल्चर तक, हम राजीव प्रकाशन की बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई और बुक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे भी मैं कोशिश करूंगा कि बना दूं, जैसे चित्रा पब्लिकेशन की कुछ लोग चाहते हैं, मैंने कुछ वीडियोज बनाए भी हुए हैं, जैसे पार्ट टू करके जो मैंने डाला है वो राजीव प्रकाशन का है, और जो पहले से बनाया हुआ है वो चित्रा प्रकाशन का है, तो कुछ आपको मिल सकता है, तो नहीं मिलेगा आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए चैनल बनाया है तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। देखते हैं ये दूसरा वाला पैसेज, इसमें किस बारे में बात हुआ है। हियर द राइटर प्रेडिक्ट्स अबाउट द अपकमिंग जनरेशन ऑफ इंडिया। अपकमिंग जनरेशन मतलब कि आने वाली पीढ़ी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, राइटर कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर एक्सेप्ट्स, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, दैट नो वन कुड प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के भविष्य के बारे में कोई भी व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्याओं को झेला था। यहां पर हम जोड़ सकते हैं विकास, विकास इट सफर्ड, बहुत ज्यादा समस्याओं से झेला था, सफर्ड मेनी, सफर्ड विथ मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक, ये जोड़ देंगे हम भाई, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से झेला हुआ था, इसकी स्थिति मतलब काफी पीछे हुई थी, लोग पहले सोने की चिड़िया कहते थे, उसके बाद अनेकों आक्रमण हुए, इन विवादों में मतलब बहुत झेलना पड़ा था, 100 साल तक गुलामी झेलना, ये सारी चीजें थी, इस वजह से कोई ये नहीं सोच सकता था, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि आगे भविष्य होगा क्या। बट अब ये देखेंगे, ही ऑल्सो प्रेडिक्ट्स, पहले तो ये चीज मानते हैं वो कि हाँ मुश्किल है, कोई नहीं कह सकता कि बात कब इसके आगे, लेकिन वो ये करते हैं इस बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं दैट की द अपकमिंग जनरेशन, जो भारत की जनरेशन है ऑफ इंडिया, विल नेवर फॉलो वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली। वो कहते हैं कि जो हमारी पीढ़ी होगी आने वाली, वो आंख बंद करके चुपचाप वेस्टर्न कल्चर को, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाएगी, कभी नहीं अपनाएगी, नेवर फॉलो। ही कॉन्फिडेंटली सेज, वो पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंटली देखिए लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब क्या था, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ, उनको इतना विश्वास था हमारे देश के लोगों पर, आने वाली पीढ़ी पर, तो एकदम भरोसे के साथ कहते हैं दैट की इंडियंस विल नेवर फॉरगेट, भारतीय जो है वो कभी भूलेंगे नहीं, क्या नहीं भूलेंगे, देयर ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं को नहीं भूलेंगे, ठीक है। इट डजंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है हाउ मच द टाइम हैज बीन चेंज, समय कितना बदल गया है, परिवर्तन कितना ज्यादा हो चुका है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के लोग, भारत की आने वाली पीढ़ी भारत की परंपरा को कभी नहीं भूलेगी, जरूर फॉलो करेगी, वो पूरी तरह से आंख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को कभी नहीं फॉलो करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बात पे राइटर को पूरा भरोसा था। तो हमें उनके भरोसे को कायम रखते हुए अपने देश की परंपरा को आगे बढ़ाना है, और विश्व गुरु कहा जाने वाला देश आज शिक्षा में इतना पीछे हो गया है, तो हमारा बस ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम इसको फिर से विश्व गुरु कहलाने के लायक बना सके, और एक पहचान लेकर के जो खो चुकी है उसको वापस दिला सके अपने देश को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं तीसरे पैसेज की, इसमें दिया गया है बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट से लेकर पीक ऑफ सिंथेसिस तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दूसरे जो पैसेज है, दूसरा जो पैसेज था कह सकते हैं उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये लाइन जो है उसमें भी आती है, इस बारे में बात होती है, उनके प्रेडिक्शन के बारे में बात हुआ है, थोड़ा सा दो लाइन और बढ़ गया है, ऊपर से दो लाइन छूट गया है और दो लाइन बढ़ गई, इससे ऐसा अक्सर होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान से देखिए क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। हाँ एक चीज मैं कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ये वीडियो, ऑलरेडी मैं मतलब 12 हो रहे हैं यार बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा ये हूँ वो महान हूँ, ऐसा नहीं है,
फिलहाल ये है कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट है, बुरा लगता है अपने देश की सिचुएशन, लोगों की सिचुएशन को देख करके बुरा लगता है। तो बस ये फीलिंग है। तो मैं आपसे बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आप वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग अच्छा लग रहा है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कैसे कर पाऊँगा, अपने मन का राजा रहा हूँ तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, ये सुधारने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक मैं कुछ इम्प्रूव कैसे करूँगा। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट और अच्छे से हो सके, मैं आपकी मदद और बेहतर कर सकूँ। दूसरी बात ये है कि जैसे आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी मदद हो सकती है, बिना पैसे के भी वो पढ़ सकते हैं, बिना कोचिंग के भी वो पढ़ सकते हैं। जब उनको पता चलेगा तब ना कोई भी चीज़ आप जब जानेंगे तब ना आपको कैसे पता चला, आप कैसे फायदा उठा रहे हैं, आप वीडियोस को कैसे देख रहे हैं, आपको पता चला तभी ना देख रहे हैं, किसी ने आपको बताया या फिर आपने सर्च किया तो आपको मिल गया तभी ना। हर लोग सर्च नहीं कर पाते, ढूंढ भी नहीं पाते हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है यार, मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, आप भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, तो जरूरी नहीं कि हर कोई हर चीज़ के बारे में जान पाए। थोड़ा सा आप शेयर कर दें क्योंकि आप जानते हैं कि किसको ज़रूरत है। मैं अपने सर्किल में जानता हूँ ना कि किसको ज़रूरत है, तो मैंने शेयर कर दिया। आप भी जानते हैं कि किसको ज़रूरत है, तो आप कम से कम उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। देखना ना देखना उनके ऊपर, आप ये मत सोचिए कि मैं शेयर करता हूँ और वो लोग देखते नहीं हैं तो क्या फ़ायदा शेयर करने का, ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिए, जैसे आपने अपना काम कर दिया और आप सही हैं, कोई अपना काम करे या ना करे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई और अपना काम नहीं करेगा इस वजह से हम अपना काम ना करें, ये तो गलत है भाई। चाहे कोई और अपना काम करे या ना करे, एटलीस्ट हम तो अपना काम करें। तो प्लीज 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 वीडियोस को शेयर जरूर करिए। आपको जिनको भी लगता है कि ये मेरा भाई दोस्त या फिर रिश्तेदार इस क्लास में है और उसको इस चैनल से कुछ मदद मिल सकती है, तो आप उसको बता दीजिए एक बार। करना ना करना उसके ऊपर है, वो देखेगा नहीं देखेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। कम से कम आप एक हेल्प का नेचर रखिए, सपोर्टिव नेचर रखिए। 10 लोगों को कहेंगे, 10 लोगों को शेयर करेंगे, जरूर 1-2 लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। हम कोशिश छोड़ नहीं सकते, हम ये नहीं मान सकते कि दुनिया कभी बदलेगी नहीं। हमको ये मानना पड़ेगा कि हम अगर कोशिश करें तो उसका परिवर्तन कुछ ना कुछ आएगा। मैं क्यों वीडियोज बना रहा हूँ, मतलब साफ गलत है 1000 सब्सक्राइबर होने में अभी फिलहाल हो गया है, लेकिन उसको काफी टाइम लगा, लेकिन मैंने छोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था कि एटलीस्ट 1% ही चेंज आएगा, लेकिन चेंज तो आएगा, क्योंकि मैं मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूँ भाई। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं अपना काम 100% दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना ही है। अब परिवर्तन हो सकता है कि थोड़ा कम हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, कम से कम मैं सेटिस्फाई तो हूँ कि मैंने अपना काम ढंग से किया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना काम थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए और लोगों की हेल्प करने का नेचर रखिए। ओके, चलिए बात करते हैं। इसमें क्या है कि किस बारे में बात हुआ, हियर द राइटर टॉक्स अबाउट हिज प्रेडिक्शन, पहले तो वो अपनी भविष्यवाणी की बात किस बारे में वो प्रेडिक्ट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एंड द सिचुएशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत का जो स्थिति है स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी बात करते हैं। दो बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, पहले तो क्या प्रेडिक्ट करते हैं इस बारे में, और दूसरा भारत की सिचुएशन क्या है इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या चीजें हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हियर द राइटर प्रेडिक्ट्स, पहले तो भविष्यवाणी क्या करते हैं, तो भविष्यवाणी ये करते हैं दैट की द अपकमिंग जनरेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो आने वाली पीढ़ी है, विल मस्ट फॉलो इट्स ट्रेडिशन, इट्स भारत की जो आने वाली पीढ़ी है वो भारत की परंपरा को जरूर फॉलो करेगी, हो ही नहीं सकता कि फॉलो ना करे। उसमें आपको पता चलेगा कि वो कभी भी दे विल नेवर फॉलो वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली, वो कभी भी आंख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे नहीं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव भारतवासियों के ऊपर हमेशा रहेगा, ये बात वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। ही सेज दैट इंडिया विल प्रेजेंट अ फाइन एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस बिफोर द वर्ल्ड, वो ये भी कहते हैं कि इंडिया यानी कि भारत जो है वो प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत करेगा अ फाइन एग्जांपल, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब यहाँ पर होगा मिश्रण, यानी कि जो संयोग है हमारे यहाँ, संयोग कह सकते हैं या
मिश्रण कह सकते हैं, अलग अलग जातियों का, अलग अलग तरह के लोगों का है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब हर धर्म के हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर है। तो ये जो मिश्रण है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसकी बात करते हैं हम, विभिन्नता में एकता, तो यहाँ पर जो विभिन्नता है उसके साथ रह करके, खड़ा होकर के, स्टेबिलिटी के साथ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाला है भारत, और वो करेगा क्यों? बिकॉज द थिंकिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्सिज्म, जो रूढ़िवादी सोच है, इज फेडिंग, वो अब नष्ट हो रही है धीरे धीरे, ओनली आफ्टर सेवन ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सिर्फ और सिर्फ भारत तभी 7 साल ही हुए हैं आजादी को, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ऑर्थोडॉक्सिज्म है, जो रूढ़िवादी सोच है लोगों की, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो जब अभी ये हाल है, तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में, आने वाली जनरेशन में क्या होगा? ये चीजें रहेंगी ही नहीं, और हमारी संस्कृति पूरी तरह से प्रभावी होगी, और हम बहुत ही अच्छा जीवन जी सकेंगे, ये उनका भरोसा था। ओके, तो इस बारे में बात हुआ है। फोर्थ से इसमें टोटल 8 पैसेज दिए गए हैं, 4 मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा, इसमें 4 और हो जाएंगे। बात करते हैं चौथे पैसेज की, तो कास्ट इज वेरिसिंग से लेकर बी लास्ट तक है। इस बारे में यहाँ पर बात हुआ है कि जो जातिवाद है, रूढ़िवादी सोच है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, भारत पूरी तरह से बदल रहा है, लेकिन फिर भी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो अभी भी कायम है और आगे भी रहेगी, ये पूरा भरोसा था राइटर को। देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा। हियर द राइटर टॉक्स अबाउट द अल्टीमेट कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अल्टीमेट कंटिन्यूटी, अल्टीमेट कंटिन्यूटी मतलब कि जो लगातार एकदम कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की जो लगातार निरंतर प्रगति है, निरंतर चलते रहने वाली बात है, उसको उसके बारे में बात करते हैं कि इतना परिवर्तन होने के बाद भी भारतीय संस्कृति जो है, परंपरा जो है, वो लगातार बनी हुई है, एक जैसी है। देखते हैं एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। द राइटर टेल्स अस दैट द ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम, जो जातिवाद था, जाति मतलब कि जाति व्यवस्था जो है, रूढ़िवादी जाति व्यवस्था जो है, वो क्या है, इस फेडिंग, वो धीरे धीरे फेडिंग मतलब कि नष्ट हो रही है, उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यहां देखेंगे इट विल बी डिसअपीयर्ड, और ये क्या हो जाएगी, डिसअपीयर्ड हो जाएगी, मतलब कि दिखेगी ही नहीं। आफ्टर 1 or 2 जनरेशन, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 पीढ़ी के बाद ही ये चीजें नहीं दिखेंगी, इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि वो गायब हो जाएंगे 2 पीढ़ी के बाद। क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट इट, बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं रूढ़िवादी सोच का, ठीक है, इसलिए ये पक्का है कि 1-2 पीढ़ी के बाद ये चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, ये रूढ़िवादी सोच लोगों की समाप्त हो जाएगी। प्रेजेंट सिचुएशन, जो वर्तमान स्थिति है, is automatically adopted by the old families, जो आपका वर्तमान सिचुएशन है, वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए automatically adopt किया जा रहा है, लोग अपना रहे हैं, जो पुराने यानी कि old families थी, बूढ़े लोग थे, पुरानी families थी, जो रूढ़िवादी सोच की family थी, वो भी बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे automatically present situation को absorb कर रही है, adopt कर रही है, follow कर रही है। अब कहते हैं कि इनफैक्ट, और वास्तव में देखा जाए तो इंडिया इज चेंजिंग कंप्लीटली, भारत जो है वो पूरी तरह से बदल रहा है भाई, परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। बट इंडियन ट्रेडिशन, लेकिन जो भारतीय परंपरा है, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशंस नहीं, लेकिन जो भारतीय परंपरा है, रिमेन्स अनचेंज, वो अभी भी रिमेन्स मतलब कायम है, बिना बदले हुए कायम है, भारतीय परंपरा अभी भी बिना बदले कायम है। It will never be changed, और ये कभी भी changed नहीं होगी, change नहीं होगी, कभी बदलेगी भी नहीं। तो ये रहा हमारा 4 passages part 1। part 2 में हम 4 passages जो next discuss करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने हुए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियोस को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हार्दिक खुशी होती है।
ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, हम अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे, हमारा सपना जरूर पूरा होगा और हमारा देश फिर से एक बार विश्व गुरु की उपाधि को हासिल करेगा, जरूर करेगा।